लिखेंगे जिसमें लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश यूपी की राजधानी राजधानी को नवाबों की नगरी नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करेंगे नेक्स्ट, डायग्राम आपका ये हो ही गया है। ठीक है, डायग्राम ये आपने बना लिया होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नदी के विषय में, आपकी जो गंगा में बाईं ओर से आकर मिलती है। दाएं और बाएं का हमने आपको बता दिया था कि यदि नदी की धार ये है तो इस तरह मुंह करके खड़ जाइए, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा इधर राइट साइड हो जाएगा। तो लिखेंगे गोमती नदी। अगली नदी कौन सी है? गोमती नदी के विषय में जानकारी लेंगे। तो गोमती नदी का डायग्राम आप खुद बनाएंगे। ठीक है, गोमती नदी का जो डायग्राम है ये आपका, गोमती नदी तो हो चुका है। बात करेंगे सरयू नदी के विषय में। गोमती नदी में आपको पढ़ा चुका हूँ, सरयू नदी कौन सी? सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी के विषय में जानकारी लेंगे। और ये सरयू नदी क्या है? ये शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी? शारदा। ठीक है, शारदा नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो सबसे पहले लिख लेंगे यह नदी नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। ठीक है, यह नदी नेपाल हिमालय में स्थित मिलन में स्थित मिलन मिलन हिमनद, और हिमनद को क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। मिलन हिमनद, ठीक है, कहाँ पड़ेगा मिलन हिमनद? ये उत्तराखंड में पड़ेगा, नेपाल बॉर्डर पे है। लिख लेंगे आप ब्रैकेट में, उत्तराखंड के नेपाल बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर पर, यानी कि सीमा पर, नेपाल बॉर्डर पर से निकलकर, से निकलकर, ठीक है, आगे बढ़ती है। ठीक है, यूपी यूपी एंड नेपाल बॉर्डर पर इसे काली नदी भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, बॉर्डर पर जब ये आती है तो इसको काली नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखेंगे वहीं जब यह नदी बाराबंकी में घग्गर नदी से मिलती है, तो इसे चौक के नाम से, चौक नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। ठीक है, और लिखेंगे नोट करके ही, ब्रैकेट में लिखेंगे नोट, इसी नदी के तट पर राम नगरी अयोध्या। क्या है? अयोध्या स्थापित है। करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि
राम मंदिर का निर्माण किस नदी के तट पर हो रहा है? तो कहां पर, ये आपका पड़ जाएगा सरयू नदी, शारदा नदी। ठीक है, अयोध्या के तट पर, क्या लिखा आपने, इसी नदी के तट पर अयोध्या स्थापित है। ठीक है, नोट में ही आप एक बात और भी लिख सकते हैं, जो नेपाल हिमालय हैं, जो आपका नेपाल हिमालय हैं, तो नेपाल हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलकर गंगा के जलस्तर को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। इसे नेपाल हिमालय को गंगा नदी का नेचुरल वाटर टैंक भी कह सकते हैं। ठीक है, लिख लेंगे, नेपाल हिमालय को गंगा का जल स्तर बढ़ाने वाली, जैसे बढ़ाने नेपाल हिमालय को मगर से, नेपाल हिमालय से गंगा का जल स्तर बढ़ाने वाली नदियां निकलती हैं, इसलिए इसे गंगा का नेचुरल वाटर टैंक भी कहते हैं। ठीक है, नेचुरल वाटर टैंक भी कहते हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं, जैसे देखेंगे, ये आपकी घग्गर नदी है। कौन सी? घग्गर नदी। घग्गर नदी, तो घग्गर नदी जो है तिब्बत पठार से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत पठार से निकलकर, तिब्बत पठार से निकलकर, ठीक है, तिब्बत पठार से निकलकर कहाँ पर, तिब्बत पठार में कहाँ से, ये चाचुंगो। ठीक है, ब्रेक में लिखेंगे चा चुंगो, ठीक है, से निकलकर यूपी, बिहार राज्यों में प्रवाहित होती है, राज्यों में प्रवाहित होकर छपरा में, बिहार में छपरा में, छपरा में गंगा से मिल जाती है। तो क्या करती है, जल स्तर को बढ़ा देती है, और निकल कर कहाँ से आती है, ये आपका नेपाल हिमालय से, गंगा छपरा में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, यदि हम दूसरी बात करें, आपकी राप्ती नदी है। कौन सी? राप्ती। ठीक है, राप्ती नदी, दूसरी कौन सी है, राप्ती नदी। तो राप्ती नदी भी नेपाल हिमालय से लेकर के उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है, और बिहार, गोरखपुर के बाद बिहार में प्रवाहित होकर फिर गंगा मिल जाती है। तो ये क्या है, नेपाल हिमालय, हिमालय से निकलकर यूपी के गोरखपुर, से बिहार के, बिहार में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, और ये क्या कर देती है, गंगा के जलस्तर को बढ़ा देती है, इसलिए नेचुरल वाटर टैंक के अंतर्गत आएगी, नेचुरल वाटर टैंक से आ रही है। ठीक है, कहाँ से? नेपाल हिमालय से। बात करते हैं नेक्स्ट और सेकंड लास्ट, ये आपकी कोसी नदी। जो कोसी नदी है, इसे बिहार का क्या कहते हैं, सोंक भी कहा जाता था, क्योंकि अपने जलोढ़ अवसादों से क्या है, बिहार में बाढ़ का रीजन बनती थी। लेकिन अब क्या है, अब इस पर क्या कर दिया है, इस पर बैराज बना दिया गया है, तो बिहार को इसने क्या कर दिया है,
बिहार को अब इसने सोक करना बंद कर दिया है। ठीक है, तो कोसी नदी के विषय में बात करेंगे। बिहार का शोक, बिहार का शोक, ठीक है, तो लिख लेंगे। यह नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, जो नेपाल हिमालय में सात धाराओं के मिलने से बनती है। ठीक है, सात नदियों का इसमें जल मिलता है। बिहार में गंगा जी से गंगा से मिल जाती है। ठीक है, और लिख लेंगे नोट करके। अपने जलोढ़ अवसादों के कारण अपने मार्ग को परिवर्तित अपने मार्ग को परिवर्तित कर बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। बाढ़ का कारण बनती है। ठीक है, इसलिए बिहार का शोक कहलाती है। ठीक है, लास्ट नदी के विषय में बात करेंगे। आपकी महानंदा नदी, कौन सी? महानंदा नदी। ठीक है, तो जो दार्जिलिंग की पहाड़ी है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलकर ब्रह्मदेव स्थान पड़ता है। कहाँ पर? ब्रह्मदेव स्थान में गंगा जी से मिल जाती है। ठीक है, तो यह नदी दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलकर पश्चिम बंगाल में ब्रह्मदेव नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गंगा में मिल जाती है। अब बात करेंगे आपसे हम कौन सी प्रायद्वीपीय नदियों के विषय में। किस नदियों के विषय में? प्रायद्वीपीय नदियों के विषय में। तो प्रायद्वीपीय नदियों की स्टार्टिंग जो हम करेंगे, हम बिल्कुल वहीं से ही करेंगे जहां से क्या है, जहां से प्रायद्वीप भारत स्टार्ट होता है। तो अगला टॉपिक डालेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। तो टॉपिक को चेंज करेंगे। गंगा की सहायक नदियों के विषय में बात कर रहे थे। दाई ओर और बाई ओर से सभी नदियों को हमने पढ़ लिया और यहीं पर गंगा नदी तंत्र आपका समाप्त भी हो गया। तो हम ये टॉपिक जो लेके चल रहे थे, हिमालयी नदियों के अंतर्गत हमने तीन प्रकार की नदियों को पढ़ा। आपका सबसे पहले कौन सा? सिंधु नदी तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और लास्ट में गंगा नदी तंत्र। और संपूर्ण नदियों को हमने कहा था दो प्रकार से पढ़ेंगे, हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय
प्रायद्वीप नदियां। तो अब टोपे डालेंगे आप प्रायद्वीपीय, प्राय द्वीप नदियां, नदियां ठीक है। तो प्रायद्वीप नदियों को हम दो प्रकार से पढ़ने की बात करी थी। तो पहला पॉइंट है इसमें अरब सागर, कौन सा? अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, नदियां ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? आपकी लूनी नदी के विषय में ठीक है। तो पहला टॉपिक डाल लीजिए लूनी नदी ठीक है। ये ए पोर्शन हुआ और ऐसा फर्स्ट पॉइंट है लूनी नदी, लूनी नदी। तो लूनी नदी की हम लोकेशन की बात करेंगे, आपका ये क्या है? ये अरावली पहाड़ है ठीक है। अरावली पहाड़ के ये पश्चिम की तरफ, अरावली पहाड़ के पश्चिम की तरफ एक झील है राजस्थान में, कौन सी? पुष्कर झील। कौन सी? पुष्कर झील। तो पुष्कर झील से क्या है, पुष्कर झील से नदी निकलती है और आपका जो ये पड़ता है बाड़मेर और गुजरात, यहीं पर क्या है, यहीं पर ये रण में क्या रहते हैं, मरुस्थल में, मरुस्थल क्षेत्र में ये विलीन हो जाती है ठीक है। और आगे समुद्र तक इसका रास्ता नहीं मिल पाता, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे मरुस्थल की गंगा बोलते हैं। ये रही आपकी लूनी नदी, लूनी नदी। और ये आपका कहाँ का मरुस्थल है? ये आपका कच्छ का दलदल, कच्छ का रण बोलते हैं, कच्छ का रण मरुस्थल ठीक है। और इस नदी को, लून नदी को हम बोलते हैं ये मरुस्थल की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। क्या? किसके नाम से? मरुस्थल की गंगा, मरुस्थल की गंगा ठीक है, मरुस्थल की गंगा। और इसी को आधे खारे पानी की, आधे खारे पानी की और आधे मीठे पानी की, आधे मीठे पानी की नदी भी कहते हैं ठीक है। तो इन सब बातों को लिपिबद्ध कर लेते हैं। तो लिखेंगे यह नदी राजस्थान में, यह नदी राजस्थान के अजमेर जिले में, के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर झील के पास से, झील के पास से निकलकर कहाँ से, अजमेर झील के पास से निकलकर बाड़मेर, बाड़मेर तथा गुजरात, तथा गुजरात कहाँ पर? गुजरात में कच्छ के रण या दलदल या आपका और मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसे समुद्र नहीं मिल पाता, इसे समुद्र नहीं मिल पाता, सो इसे मरुस्थल की गंगा,
मरुस्थल की गंगा, मरुस्थल की गंगा वे आधे खारे पानी तथा आधे मीठे पानी पानी की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी कौन सी, लूनी नदी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अरब सागर की और बंगाली खाड़ी की नदियों की संवाद करेंगे, और कल ये टॉपिक आपका जो है खत्म हो जाएगा, पूरा नदियों वाला टॉपिक कल ये खत्म कर देंगे, फिर इस एक बार इसका रिवाइज कर लेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।